कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming all of you in once again in Akash STEM Education. तो dear students, आप सब लोगों के requirement के moment के जो basis था, उस basis पे हम ये video ला रहे हैं। ये video होगा TFW quota के ऊपर। आप सब लोग पूछ रहे थे कि TFW quota क्या है, कैसे बनाए और full जो details हैं, इस video में हम लोग discussion करेंगे। तो video के साथ जुड़े रहिए, because ये video बहुत interesting हो रहा है आप सब लोगों के लिए। और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज आकाश स्टेम एजुकेशन WBJEE के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सबसे बढ़िया जो कंटेंट है YouTube पे वो प्रोवाइड करती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज TFW कोटा। मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊंगा। आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड दिख रहा है हमारा, और ग्रीन बोर्ड पे आप लोगों को हमारा जो TFW कोटा के फुल डिटेल्स है देखने को मिल जाएगा। पूरा सुनिए वीडियो को, आप लोग सब चीज खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला पॉइंट था, वो था व्हाट इज TFW कोटा। TFW कोटा क्या है? TFW कोटा का जो फुल फॉर्म, फुल मीनिंग है, वो है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। एक्चुअली ये एक स्कीम है जो गरीब बच्चे हैं वो लोग अगर टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और ये सब रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोग के बेसिस पे ये जो कोटा है, ये कोटा ओपन किया गया था। तो दिस इज द ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अब ये स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें पड़ती है, जो सारे स्टूडेंट्स WBJEE के अंदर किसी भी कॉलेज पे, वो प्राइमरी, वो प्राइवेट कॉलेज हो सकती है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं, मीन्स सब कैटेगरी का जो कॉलेज है वो कॉलेज इसके अंदर पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, सब कॉलेज पड़ती है। इन सब कॉलेजेस पे 5% ऐसे सीट रहते हैं, 5% ऐसे सीट रहते हैं जो सीटों के ऊपर जो ट्यूशन फी होती है वो चीज गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशन है वो माफ कर देती है। 5% सीटों के ऊपर, कुछ ज्यादा सीट्स नहीं रहती, सिर्फ 5% सीट। अगर समझ लीजिए किसी ब्रांच पे 60 सीटें हैं, किसी ब्रांच पे 60 सीटें हैं, वहां उनमें से आपको सिर्फ 2 या 3 सीटें ऐसे मिलेगी जिस पे आपको ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम एप्लीकेबल होगा, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉम्पिटिशन ज्यादा और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन इस सीट के लिए भी होती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट पे तो हम जान लिए कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम मींस TFW क्या होती है। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लोग ये TFW स्कीम के अंदर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और इसका सुविधा पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए ये सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो पहला एलिजिबिलिटी है, आपका जो फैमिली इनकम है वो वार्षिक से मींस 1 ईयर में 2.5 लाख के अंडर होना चाहिए। मींस आप लोगों का जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख के अंडर अगर रहा तो ही आप लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पहला आपका जो मैं कह सकता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप लोगों को मस्ट वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना पड़ेगा। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो तभी, सिर्फ तभी आप लोग ये जो स्कीम है इसका फायदा ले सकते हो, रादर देन आप लोग झारखंड से हो, बिहार से बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं बट उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता। और थर्ड जो है, वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी से आप हो सकते हो, आप सब लोगों को ये स्कीम का सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी स्कीम से, कोई भी कैटेगरी से हो तो सब लोगों को ये स्कीम का सुविधा जो है मिल सकता है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड मेजर पॉइंट जो था वो मेजर पॉइंट था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, एक स्पेशल परफॉर्मा मिलता है, वो परफॉर्मा को आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे उस स्पेशल परफॉर्मा का शेप देख पा रहे हैं, दिस इज द स्पेशल परफॉर्मा। ये स्पेशल परफॉर्मा को आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे इस परफॉर्मा का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेके प्रिंट आउट ले लीजिएगा वहां से। ये चीज फर्स्टली आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप गांव से हो, अगर आप पंचायत के अंडर रहते हो, ग्राम पंचायत के अंडर अगर आप लोग रहते हो तो आप लोगों को जाना पड़ेगा आपका बीडीओ ऑफिस। और अगर आप लोग टाउन से मीन शहर से रहते हो, कोलकाता में रहते हो, दुर्गापुर, कोई भी एक शहर से बिलोंग करते हो तो आप लोग को आपको म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहले जाना पड़ेगा। अब वहां से जाके आप जानते हो ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत प्रधान के पास से एक आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और
जो सारे लोग म्यूनिसिपैलिटी के अंडर रहते हो तो आपको म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑफिसर है वहां से जाके आपको इनकम सर्टिफिकेट पहले लाना पड़ेगा। ये सब चीज आपको चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, आपको आपका टेंथ का रिजल्ट जो है वो टेंथ का रिजल्ट लगने वाला है। आईडी प्रूफ जो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक कार्ड आपको लगेगा, ये चीज आपको चाहिए। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है, टेंथ का एडमिट कार्ड एज अ बर्थ प्रूफ, ये चीज आपको लगेगा। आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बिकॉज वेस्ट बंगाल डोमिसाइल को ये चीज मिलेगा, तो आपको आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये सब चीजें आपको लाना पड़ेगा एक जगह पे, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा आपका वीडियो ऑफिस, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो। अगर आप लोग शहर से बिलोंग करते हो, मींस कोलकाता और जो शहर से हो, सिटी से हो, वहां से बिलोंग करते हो, तो आप लोग को जाना पड़ेगा आपका एसडीओ ऑफिस। एसडीओ ऑफिस पे जाने के बाद आप लोग को स्पेशल सेक्शन मिल जाएगा, आपको वहां पे पूछ लेना है कि कहां पे हम लोग टीएफडब्ल्यू के लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उस पे वहां पे जाके आप लोग को एक परफॉर्मा चाहिए, परफॉर्मा फिलअप करना पड़ेगा, और मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो सब डॉक्यूमेंट लेके आप एसडीओ ऑफिस और बीडीओ ऑफिस रेस्पेक्टिवली जाना, और जाके वहां पे उन लोगों को दे देना। मुझे लगता है एक दिन के अंदर, मेरा जो है एक दिन के अंदर ही इसका हो गया था, मैंने सुबह पे दिया था, शाम को हो गया था। तो आप लोगों को मैं ऐसा करता हूं कि सुबह आप अगर आप जाओ कि दोपहर को आप जाओ, तो शाम के अंदर एक दिन के अंदर ही आपको ये टोटल चीज मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीएफडब्ल्यू कोटा। तो आपको ये कोटे के लिए ये परफॉर्मा चाहिए, और कैसे कैसे आप ये टोटल परफॉर्मा को पा सकते हैं, मैं टोटल डिटेल्स आपके सामने दे दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये स्कीम जो है बहुत अच्छा है, आप फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है आप सब लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।